विदेश भाग गई शाइस्ता परवीन, गैंग को विदेश से कर रही ऑपरेट, काली कमाई को लगा रही ठिकाने। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और कई गुर्गे फरार चल रही हैं, बल्कि ये लोग पिछले 3 महीने से ही पुलिस को चकमा भी दे रहे हैं। हालांकि इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे पुलिस के साथ साथ UPSTF की भी नींद उड़ी पड़ी है। वही जिस तरह के सबूत मिले हैं, उसके बाद पुलिस ने शाइस्ता परवीन को गैंग का लीडर भी मान लिया है। यानी कि जो गैंग पहले अतीक अहमद चलाया करता था, वही गैंग अब शाइस्ता परवीन चला रही है। बल्कि पुलिस का ये भी कहना है कि अतीक अहमद के बाद अब गैंग की कमान शाइस्ता परवीन ही संभाल रही है, बल्कि वो ही काली कमाई को ठिकाने भी लगा रही है। लेकिन इसी बीच ये भी चर्चा होने लगी है कि शाइस्ता परवीन विदेश भाग गई है और वो वहीं से पूरे गैंग को ऑपरेट भी कर रही है। हालांकि बताया ये भी जाने लगा है कि अतीक की काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए गुर्गे असाद कालिया को रकम अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ही देती थी, जिसे असद कालिया प्रॉपर्टी डीलिंग में लगाता था। इस बात का खुलासा अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ से पुलिस पूछताछ के दौरान हुआ है। वहीं पुलिस ने अब शाइस्ता परवीन के साथ साथ फरार चल रहे शूटरों पर शिकंजा और ज्यादा कसना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या में मास्टरमाइंड टीम में शामिल शाइस्ता परवीन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा होने के बाद धारा 14A के तहत उसकी अचल और चल संपत्ति भी कुर्क करने की तैयारी कर ली गई है। ऐसे में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान के ऊपर भी नकेल कसनी शुरू हो गई है। वहीं अतीक के गैंग IS-227 में शाइस्ता परवीन, उसके बेटों उमर अली समेत कई लोगों का नाम शामिल किए जाने की बात कही जा रही थी। जबकि सूत्रों की माने तो अतीक के गैंग चार्ट से मृतकों का नाम अलग करने के साथ साथ नए सदस्यों का नाम शामिल किया जा रहा है। जहां एक तरफ शाइस्ता परवीन और साबिर और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी किया जा चुका है, तो इसी बीच अशरफ के साले सद्दाम की फोटो विदेश से लगातार वायरल भी हो रही है। इसी के बाद पुलिस के साथ साथ UPSTF को ऐसा लग रहा है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर भी विदेश भाग गया है और शाइस्ता परवीन विदेश में ही बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रही है। हालांकि अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत जांच एजेंसी को नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं, बल्कि इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।